आज हम बनाने वाले हैं होली स्पेशल गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी खस्ता और कई परतों वाले नमक पारे। तो बहुत बार क्या होता है, मैदा खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरह से एकदम क्रिस्पी गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी नमक पारे बना सकते हैं। और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितने बढ़िया ये देखने में लग रहे हैं और इसी तरह से ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। इन्हें एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। तो यहाँ पर हमने एक बाउल गेहूं का आटा लिया है, इसे हम छान लेंगे। इसके बाद इसमें हम आधा बाउल से थोड़ा कम रवा ऐड करेंगे, सूजी मोटी वाली सूजी थोड़ी सी हमने इस्तेमाल की है, आधा चम्मच नमक ऐड किया है और आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच इसमें हमने अजवाइन ऐड किया है और यहाँ पर आधा चम्मच से थोड़ा कम मंगरेल ली थी, कराइल मंगरेल जो अनियन सीड्स होते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे, जीरा ऐड नहीं करेंगे, जीरा पाउडर से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और दो चम्मच के लगभग हम ऑयल ऐड करेंगे मोइन के लिए। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे। पानी हमें एक साथ बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे जिससे कि एक परफेक्ट डो लग जाए। और आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि हमने यहाँ पर जो सूजी ऐड की थी वो फूलेगी तो डो है वो और सख्त होगा। तो थोड़ा सा अच्छा ही हम परफेक्ट यहाँ पर डो लगाकर तैयार करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखने के बाद इसे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और यदि ये ज़्यादा आपको सख्त लगता है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और लगा लेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट डो लगाएंगे ताकि इसे बेलते टाइम ये फटे ना। तो यहाँ पर डो हमारा बन के तैयार हो गया है। इसके बाद इसका रोल बनाएंगे और लोइयाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक ही साइज की लोइयाँ बनाएंगे और इसके बाद इन्हें बेलकर तैयार करेंगे। और इन्हें हमें पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है क्योंकि हम इससे रोल बनाकर तैयार करेंगे। या तो आप इस साइज से बेल लें और इसे थोड़ी देर बाद इसी तरह से छोड़ दें और इसके बाद पतला करेंगे तो ये जल्दी से पतली हो जाएंगी और टूटेंगी भी नहीं। क्या होता है कि जब हम इसमें मोइन वगैरह ऐड कर देते हैं तो ये टूटने लगती हैं। और इसके बाद आप बेलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी पतली बढ़िया बेलकर तैयार हुई हैं। तो इसे हम इस तरह से बेलेंगे और साइड से जो साइड एजेस हैं वो इस तरह से टूट गए हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमें रोल बनाना है तो वो फोल्ड हो जाएंगे। और अब हम एक के बाद एक परत इस तरह से रखते जाएंगे जो हमने रोटियां बेली थी। तो इसमें हम थोड़ा सा सूखा मैदा भी लगा देंगे जिससे कि ये आपस में चिपके ना और जो हमारे नमक पारे हैं इनमें परतें बहुत ही बढ़िया आएंगी। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा सूखा मैदा लगाते जाएंगे और इन्हें सेट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चार से पांच जो रोटियाँ बेली थी वो इस तरह से एक के बाद एक रख दी हैं और इन्हें हम हल्के हाथ से बेलेंगे, ज़्यादा नहीं बेलना है नहीं तो ये मिक्स हो जाएंगी। बस थोड़ी सी सेट हो जाए इतना ही हमें हल्के हाथ से बेलना है। और इसके बाद हम इसे बीच में से कट कर लेंगे क्योंकि यदि हम इस तरह से इसका रोल बना देंगे तो ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसे बीच में से कट कर लेंगे और एक साथ ही हमारे सारे नमक पारे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से हमें बीचों बीच से कट करना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका रोल बनाएंगे। तो इस तरह से हमें एकदम टाइट रोल बनाकर तैयार करना है। थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसे करते जाएंगे तो ये अच्छे से रोल हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर मैदा है ज़्यादा मोटा हो जाएगा इसलिए हमने इसे हटा दिया है।
और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये कच्चा रहेगा, इसलिए हमने इसे हटा दिया है। एक्स्ट्रा हमें नहीं रखना है, बस इतना ही हम रखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा पानी लगा देंगे और इसे अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये फ्राई करते टाइम कढ़ाई में खुले ना, और हम हाथों से इस तरह से रोल कर देंगे तो थोड़ा सा ये पतला भी हो जाएगा और अच्छे से चिपक भी जाएगा। ये बिल्कुल नए तरह के नमक पारे हैं, इन्हें ट्राई ज़रूर करें। तो इन्हें हम बीचों बीच से कट करेंगे और इन्हें हम तिरछा कट करेंगे। जिस तरह से रोल बनते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये बनके तैयार होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से हम इन्हें कट करेंगे। या तो आप डायरेक्ट इस तरह से कट करते जाएं, या फिर आप इन्हें एक ही साइज में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले एक यहाँ पर रोल कट कर लें और उसी साइज से सारे ही रोल कट करते जाएं, तो ये सारे एक ही साइज में इस तरह से कट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है रोल को कट करने का। और इसके बाद आप देख सकते हैं अंदर से कि कितने बढ़िया इसकी अलग अलग परतें जो हमने तैयार की थी वो दिख रही हैं, और फ्राई करने के बाद तो ये और भी बढ़िया हो जाती हैं। तो इन्हें हम इस तरह से कट करके रख लेंगे, और ज़्यादा हम मोटे साइज में नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये फ्राई करते टाइम कच्चे रहेंगे। तो ये सारे ही बन के तैयार हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं किया है, मीडियम गर्म में ही हम फ्राई करेंगे, और इसके बाद थोड़ी देर ये फ्राई होने देंगे और हम उन्हें उलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे, और बीच बीच में हम थोड़ी सी गैस को कम ज़्यादा करते हुए फ्राई करेंगे। तो अब हम यहाँ पर गैस को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। शुरू में हमें ज़्यादा तेज़ गैस पर इन्हें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो परतें हैं वो अलग अलग दिखने लगी हैं, और इसी तरह से हम थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। तो इन्हें फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, और मीडियम गैस पर ही हमने फ्राई किया है। इसके बाद हम सारे ही फ्राई करके एक प्लेट पर निकालेंगे और जो नेक्स्ट बैच के हैं वो भी फ्राई कर लेंगे। बस आपको फ्राई करते टाइम ध्यान रखना है कि इन्हें तेज गैस पर फ्राई नहीं करना है। और इसे हम इस तरह से चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे चारों तरफ से। तो अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया कलर आया है, और इनकी जो लेयर है बहुत ही बढ़िया आई है। तो इस तरह की यदि आप लेयर वाले नमक पारे बना रही हैं तो इन्हें आप बहुत ही कम गैस पर फ्राई करें। तो यहाँ पर सारे ही फ्राई हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया इनका कलर आया है, एकदम क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। तो आप इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने सारे ही मसाले ऐड कर दिए थे। और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए आधा चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नमक वगैरह चाट मसाला में होता है, तो वैसे हमने नमक अलग से ऐड नहीं किया है और इसमें हमने पहले ही ऐड कर दिया था। इसके बाद ये बिल्कुल मार्केट जैसे देखने में लगेंगे और खाने में तो बहुत ही टेस्टी हैं। तो इन्हें आप ज़रूर से ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसकी एक एक लेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया निकल कर आई है, और यहाँ पर हम आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं कि कितने क्रिस्पी हैं और अंदर ये कच्चे भी नहीं हैं। तो इस तरह से जब आप ये बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएंगे और नए तरह के हमारे नमक पारे बनके तैयार होंगे लेयर्ड वाले। तो यहाँ पर हमने गेहूं के आटे से नए तरह के नमक पारे बनाकर तैयार किए हैं। आपको यदि ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।